नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्वी चंपारण में हुए हाथरस जैसे कांड में पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज 12 नामजद अभियुक्तों के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। इसके पहले पुलिस ने डुडुगी बजाकर अभियुक्तों से आत्मसमर्पण करने को कहा और फिर घरों पर पहुंचकर इश्तेहार को चिपकाया है। घोरासान के पुलिस इंस्पेक्टर जयप्रकाश सिंह और कुंडवा चैनपुर के थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस प्रशासन ने गांव में पहुंचकर इश्तेहार को चिपकाया है। मालूम हो कि कुंडवा चैनपुर बाजार में रात्रि प्रहरी का काम करने वाला नेपाली नागरिक खड़क बहादुर अपने परिवार के साथ रहता था, जहां उसके 12 वर्षीय पुत्री के साथ 4 मनचलों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना 21 जनवरी के दिन की बताई जाती है। जिस समय घटना हुई उस समय बच्चे की माँ पारिवारिक कार्यवश नेपाल गई थी और भाई पिता खड़क बहादुर चाय बेचने बाजार में गए थे। दुष्कर्म करने के बाद मनचलों ने बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दिया। भाई और पिता को घटना की जानकारी मिलने पर आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत के बाद अभियुक्तों ने कुंडवा चैनपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजीव रंजन से मिली भगत कर शव को रात्रि में ही जला दिया था। हत्या और फिर शव के जलाने के करीब 4 दिनों के बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। थानाध्यक्ष और आरोपियों के बीच हुई बातचीत के ऑडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद आनन फानन में थानाध्यक्ष संजीव रंजन ने प्राथमिकी दर्ज किया था। ऑडियो के वायरल होने पर SP नवीन चंद्र झा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया, जिसके बाद मामले में शव को जलाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने जांच के लिए CID और फॉरेंसिक टीम को भी भेजा था। इस बीच पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब भी दुष्कर्म करने और फिर शव को जलाने में शामिल 12 अपराधी अभी भी फरार है। मामले की जांच में SP ने थानाध्यक्ष की भूमिका को संदेहास्पद और पूर्ण पाया, जिस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष संजीव रंजन की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने जांच के लिए CID और फॉरेंसिक टीम को भी भेजा था। इस बीच पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अभी भी दुष्कर्म करने पर फिर शव को जलाने में शामिल 12 अपराधी अभी भी फरार है। मामले की जांच में SP ने थानाध्यक्ष की भूमिका को संदेहास्पद और पूर्ण पाया, जिस पर तत्कालिक थानाध्यक्ष संजीव रंजन की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। गिरफ्तारी के लिए SP ने पुलिस की टीम भी गठित किया है, लेकिन घटना के उजागर होने के 20 दिन होने के बाद भी तत्कालीन थानाध्यक्ष संजीव रंजन पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वहीं आज पुलिस ने कुंडवा चैनपुर के अन्य आरोपियों के घरों पर इश्तेहार चिपकाकर आत्मसमर्पण करने को कहा। पूर्वी चंपारण से संवाददाता प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।